इसमें से कुछ पैसे खर्च कर लेता हूँ और इसका मैं जो बिल होता है, जो ड्यू डेट होती है, मैं इसका बिल नहीं देता हूँ, तब इसमें मेरा कितना नुकसान है? दोस्तों आज हम बात करेंगे, दोस्तों अगर आपने फ्लिपकार्ट पैलेटा का यूज़ किया है, उससे पेमेंट किया है कहीं, अगर आपने उससे शॉपिंग किया है, अगर उसका दोस्तों आपने पेमेंट बिल नहीं दिया तब क्या होगा? दोस्तों मैंने पिछले भी दोस्तों मैंने कुछ महीने पहले वीडियो बनाया था, वो वीडियो काफ़ी चली थी, लेकिन दोस्तों अभी कुछ नए अपडेट आ चुके हैं फ्लिपकार्ट पर पैलेटा को लेकर, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पर मेरे पास काफ़ी सारे सवाल आते रहते हैं कि अगर हमने फ्लिपकार्ट पैलेटा का यूज़ किया है और उसका अगर बिल पेमेंट नहीं किया तब क्या होगा? दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों कि आखिर इससे आपका नुकसान क्या है, इससे कितना नुकसान आपका हो सकता है। तो वीडियो को कंप्लीट देखो, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा काम की है, और आपको अगर आप लोग फ्लिपकार्ट का यूज़ करते हो, पैलेटा का यूज़ करते हो, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। तो वीडियो को कंप्लीट पूरा जरूर देखना। पहले भाई वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जब भी कोई वीडियो आती है तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब दोस्तों मैं आता हूँ दोस्तों अपने फ्लिपकार्ट पर, ठीक है भाई। यहाँ पर फ्लिपकार्ट पर आने के बाद दोस्तों मैं आप यहाँ पर दिखाऊंगा इसकी रिकॉर्डिंग ऑन करके, ठीक है ना, कि अगर जो मेरे को पैलेटा में दोस्तों जो पैसे मिले हैं, अगर मैं उन पैसों का यूज़ कर लेता हूँ या मैं शॉपिंग कर लेता हूँ, जो भी करता हूँ, ठीक है ना, तो भाई अगर उसको पेमेंट बिल नहीं देता हूँ तब कितना नुकसान हो सकता है, ठीक है ना, इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है। अब भाई यहाँ पर देखो मैं फ्लिपकार्ट पर आ चुका हूँ, यहाँ पर देखो फ्लिपकार्ट पैलेटा लिखा है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखो मैं भाई पैलेटा के ऑप्शन पर आ चुका हूँ, ठीक है। अब भाई यहाँ पर देखो मेरे पास 25,000 की लिमिट दी गई है फ्लिपकार्ट वालों ने दी है, ठीक है ना। अब मैं चाहूँ तो भाई 25,000 रुपये का कुछ भी खरीद सकता हूँ, ठीक है ना। उसमें दोस्तों मैं चाहूँ तो 5,500 रुपये का तुरंत पैलेटा से ले सकता हूँ, ई एम आई पर भी मैं 25,000 की शॉपिंग कर सकता हूँ, स्मार्ट अपडेट मतलब मैं और भी एक्स्ट्रा अपडेट करवा सकता हूँ, ठीक है ना। तो भाई ये मेरा मुझे पैलेटा दिया गया है, 25,000 रुपये दिए गए हैं, मैं जिससे जो कि अप्रूवल है और ये मेरे अभी वर्ल्ड पर पड़ा भी है। अब दोस्तों अगर मैं इसमें से कुछ पैसे खर्च कर लेता हूँ और इसका मैं जो बिल होता है, जो ड्यू डेट होती है, मैं इसका बिल नहीं देता हूँ, तब इसमें मेरा कितना नुकसान है? अब भाई यहाँ पर दोस्तों होता है यहाँ पर ये है, जैसे भाई मुझे अब ये पैसे मिले हैं, ठीक है ना, मैंने इस महीने शॉपिंग कर ली है, अगर मुझे एक महीने का टाइम दिया जाएगा, अगर मैं एक महीने बाद पैसा नहीं देता हूँ और मुझे एक डेट भी दी जाएगी कि इस डेट को आपको पैसे को पे करना है, अगर मैं उस डेट को पैसा नहीं दे पाता हूँ तो फिर भी फ्लिपकार्ट दो दिन और डेट बढ़ा देता है। अगर आप उस दिन भी नहीं देते हो तब आपके पूरे महीने का दोस्तों जोड़ के आपको ब्याज के साथ पैसा देना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप फिर भी नहीं देते हो आप, तो फिर आपका सिविल स्कोर में फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आपने जब इसको एक्टिवेट किया था तो आपको याद है कि आपने आधार कार्ड और पैन कार्ड दिया था, और जब आधार कार्ड पैन कार्ड आप देते हो कहीं, तो भाई आपका पूरा इन्फॉर्मेशन चला जाता है, एड्रेस होता है, आपका पैन कार्ड नंबर होता है, और आपका जो सिविल स्कोर पड़ा है पैन कार्ड पर, आप वो भी चेक कर सकते हो कि आपका सिविल स्कोर में कितना फ़र्क पड़ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर आपका नुकसान यहाँ पर ये है कि आपका जो सिविल स्कोर है वो आपका घटेगा, ठीक है ना, मतलब वो जीरो होएगा, ठीक है ना, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान होगा सिविल स्कोर पर। और भविष्य में दोस्तों आने वाले जो लोन होते हैं, जो भी आपके बैंक से काम होते हैं, तो ये आपके अप्रूवल नहीं होंगे, मतलब काफ़ी सारी समस्या आपको झेलनी पड़ सकती है, ठीक है ना। पहला नुकसान आपका ये है। दूसरा भाई नुकसान आपका यहाँ पर ये है कि अगर आप पेमेंट बिल्कुल भी करते नहीं हो, एक भी पैसा नहीं करते हो पे, तो दूसरा भाई नुकसान यहाँ पर आपका ये है कि जो भी आपका जो फ्लिपकार्ट जो आप करते हो ना, तो भाई एक तो भाई आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, फ्लिपकार्ट का जो पैलेट है ये भी आपका ब्लॉक हो जाता है, ठीक है ना, इसको ब्लॉक देते हैं कंपनी वाले, ठीक है ना। और दोस्तों इसका पेमेंट ना करने के बाद आपका जो है चार्ज है, वो चार्ज भी ऑटोमेटिक बढ़ता रहेगा, मतलब दिन पर दिन आपको जो चार्ज होते हैं, जो ड्यू डेट होती है, एक्स्ट्रा ब्याज जो आपको देना पड़ेगा, वो भी बढ़ता रहेगा टाइम पर टाइम, मतलब दोस्तों अगर आप पैसा नहीं देते तो आपका ड्यू तो आपको देना पड़ेगा, उसके साथ जो ब्याज के साथ जोड़कर भी देना पड़ेगा, और अगर आप बिल्कुल नहीं देते तो आपका सिविल स्कोर भी ख़राब होगा, मतलब आपका नुकसान ही नुकसान है। और जो भाई आपको जो बैंक्स में काम आते रहते हैं, बैंक्स के फाइनेंस के जो भी काम आते हैं, इमरजेंसी में कभी अगर आपको लेना पड़ता है लोन, तो आपको लोन भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका पैन कार्ड पर ऑलरेडी पहले से एक लोन रजिस्टर्ड है, जो कि आपने लोन लिया है उसको आपने अभी तक दिया नहीं है, तो कहीं भी बता देगा, ठीक है, क्योंकि आपका पैन कार्ड से ये पैसा मिला हुआ है। तो आपका भाई कहना कि भाई आपको सिविल स्कोर में ही फ़र्क पड़ता है, और कुछ होता नहीं है ज़्यादा कुछ, अगर आप पैसा नहीं देते तो ये बैच बढ़ती जाएगी और एक टाइम पर आपको देना ही पड़ेगा बाद में, ठीक है ना। अगर आप बिल्कुल नहीं देते हो तो फिर आपके पास इतने काम आते हैं भाई, आपके जो पैन कार्ड के जितने भी काम आएंगे वो सारे के सारे काम में बाधा पड़ेगी आने वाले टाइम पर, तो ये आपका सबसे बड़ा नुकसान है। तो दोस्तों आई होप भाई आपको क्लियरली समझ में आ चुका है यार कि आपका सिर्फ यही नुकसान है आपका सिविल स्कोर पर पूरी तरीके से, जैसे मुझे पता है, और क्योंकि मैंने एक दो बार नहीं दिया था तो मेरा भी मुझे एक्स्ट्रा चार्ज के साथ देना पड़ा है पैसा, ठीक है ना। इसलिए आपको मैं कहना चाहता हूँ भाई, जो भी पैसा पड़ा है, जो ड्यू है, उसको आप पूरा पे कीजिए, अगर आप पे नहीं करते हो तो आपका सिविल स्कोर ख़राब होगा।
प्लस आपको आने वाले टाइम पर कोई लोन वगैरह भी नहीं मिलेगा और आपका ब्याज चढ़ता ही जाएगा आपकी पैन कार्ड पर, ठीक है ना। तो ये सब आपका नुकसान होने वाला है। तो भाई प्लीज़ अभी दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मैं आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आगे भी फिल्म कार्ड की आगे भी लाता रहूँगा। सो भाई मिलती है नेक्स्ट वीडियो पर।